अगर आप भी यूज़ करते हो स्मार्टफोन और आपका कॉलर रिंगटोन स्क्रीन ऐसा देखता है जो कि बहुत ही बोरिंग लगता है, तो इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए मेरा भी स्क्रीन पर ऐसा करके आप कोई भी वीडियोस को आप रिंगटोन सेट करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि YouTube हर वीडियो आपको पहले भेजे, वो भी बिल्कुल फ्री में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो आपका कॉलर स्क्रीन रिंगटोन को वीडियो स्क्रीन रिंगटोन पर बदलना, तो क्या आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐप्स के बारे में बताऊँगा जिसके ज़रिए आप अपना कॉलर स्क्रीन रिंगटोन को वीडियो रिंगटोन पर बदल सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है, इस ऐप का नाम है बैंग। तो नाम से हमें कोई मतलब नहीं है। तो कैसे इसको आप लोग इंस्टॉल करेंगे, कैसे इसको काम पर लेंगे, तो चलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन पर मैं आपको इस ऐप्स का लिंक भी दे दूंगा, उसको आप सिंपली ओपन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसको आप लोगों को परमिशन देना है। तो चलिए मैंने इसको अलाउ कर दिया, परमिशन दे दिया। देखिए यहाँ पर पहला वाला जो था वो टिक मार्क हो गया। ऐसा करके हमें सबको यहाँ पर परमिशन देना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर तीन टिक आ गया है, चौथा वाला को भी यहाँ पर ऑटो स्टार्ट पर जाकर इसको भी ऑन कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर नीचे आइए और बैंग नाम पर जो ऐप्स हैं यहाँ पर दिख रहा है उसको भी ऑन कर दीजिए। तो सिंपली फिर से आप लोग बैक हो जाइए और इस नोटिफिकेशन एक्सेस का भी आप लोग सेट कर लीजिए। तो चलिए मैं भी इसको सेट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर नीचे आप लोगों को दिख जाएगा बैंग, उसको भी अलाउ कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर सब कुछ ठीक हो चुका है, परमिशन मिल गया है ऐप को। और नीचे आप लोगों को दिख जाएगा ऑल सेट, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है। दोस्तों वीडियो आप लोग एंड तक देखिए ताकि आपको इस सेटिंग के बारे में पता चले। तो देखिए यहाँ पर उसके बाद आप लोगों को आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर दे देता हूँ और वेरीफाई कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर देने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और एक अपना उस मोबाइल पर OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए मेरा OTP आ चुका है और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। देखें यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन सक्सेस हो गया है, और सक्सेस होने के बाद आपका स्क्रीन ऐसा दिखेगा, ऐप्स का इंटरफेस ऐसा दिखेगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कैमरा ऑप्शन दिखेगा आप लोगों को, यहाँ पर सेलेक्ट करके आप अपना मेमोरी का जो भी वीडियोस है उस वीडियो को रिंगटोन सेट करके रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो जे ये वाला रिंगटोन आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप भी कोई भी यहाँ पर सर्च कर लीजिए और उसको रिंगटोन सेट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर डिंग डोंग मूवी का गाना चाहता हूँ, मूवी सॉन्ग चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर टॉप लिस्ट पर आ गया है वो। इस गाना को, इस वीडियो को मैं मेरा कॉलर रिंगटोन रखूँगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। इस तरह सर्च करके आप इंटरनेट से भी कोई भी वीडियोस को अपना वीडियो रिंगटोन रख सकते हो। तो मुझे ये वाला रिंगटोन ही, वीडियो रिंगटोन ही अच्छा लगा है। ऐसा कोई भी वीडियो को रिंगटोन सेट करने के लिए आपको ऊपर में 3 डॉट दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद नीचे आप लोगों को दिख जाए सेट चैनल, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और देखिए ये रिंगटोन सेट हो गया है। तो चलिए एक कॉल अब हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। तो अगर मेरा कॉल आता है तो मुझे ऐसा स्क्रीन दिखेगा। तो मैं आप लोगों को मेरा फ़ोन पर जाकर, दूसरे वाला फ़ोन पर जाकर एक नंबर से कॉल करके दिखाऊंगा। तो चलिए मैं मेरा दूसरे नंबर से इस नंबर पर कॉल कर देता हूं। तो देखिए यहां पर वो कॉल आ चुका है और वीडियो प्ले हो रहा है। देखिए आप लोग देख पा रहे हो, नीचे भी देखिए यहाँ पर स्लाइड ऑप्शन आ रहा है फ़ोन रिसीव करने के लिए। अगर मैं चाहूँगा तो यहाँ पर क्लिक करके मैं इस फ़ोन को रिसीव भी कर सकता हूँ।
तो चलिए मैंने इसको रिसीव भी कर लिया और देखिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल से आपको मिलता रहे।